हेलो माय डियर जेमिनाई, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट ईयर 2025 में आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या कुछ लेकर आ रही है, क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग सरप्राइजेज आपको मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, जैसे आप 2025 में इंटर करेंगे आपको क्या देखने को मिल सकता है, किस तरीके से आपकी लाइफ में बदलाव होंगे। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एनेस्ट आईडी के थ्रू। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनेस्ट आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, दुनिया के किसी भी कोने में है किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनली ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट आपकी पर्सनली होती है। और देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है, ज़रूर अपनी रीडिंग लीजिए, क्योंकि इस टाइम में आपको एकदम परफेक्ट मैसेज इसलिए मिलेगा क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक न्यू ईयर आने वाली है सभी की। ठीक है, इससे सभी लोग बुकिंग कर सकते हो। वेल, यहाँ पे मैं आपके लव लाइफ के लिए कुछ कार्ड्स दे रही हूँ कि लव लाइफ में क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एंड यहाँ पे आ चुका है मैसेजेस। तो करियर की अगर बात की जाए तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले एक ब्यूटीफुल अफर्मेशन के साथ आप लोग एनर्जी को क्लेम कीजिए और लिखिए, माई लाइफ इज़ सक्सेसफुल, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ अबंडेंस, मेरा लाइफ अबंडेंस से भरा हुआ है, मेरा लाइफ सक्सेसफुल है, आई एम अ मनी मैग्नेट। ओके, तो रीडिंग में सबसे पहले आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो है सिक्योरिटी। वाओ, दैट्स ग्रेट, यू आर फाइनेंशली सिक्योर एंड अबंडेंट। अभी मैंने क्या बोला, और देखिए मैसेज भी आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले कमेंट में आप सभी लोग लिखिए, आई एम फाइनेंशली सिक्योर एंड अबंडेंट। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे को लेकर ना आपको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स अपने लाइफ में देखना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ होती है। अभी क्या होने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा, जैसे आपके लाइफ में मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, ठीक है, आपके लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ओपन हो रहे हैं पैसे के, फाइनेंशली आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ हो रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशली आप बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने पहले ही अफर्मेशन कराया और कार्ड देखिए बिल्कुल वैसे ही आ गया। तो ज़रूर आप सभी लोग इसको क्लेम कीजिए, 11-11 लिख कर भी। ठीक है, कंटिन्यू टू ग्रो टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन योर करियर एंड फाइनेंस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपकी लाइफ चल रही है, बहुत अगर अच्छी चल रही है तो वैसी चलेगी, और जिसकी अच्छी नहीं चल रही है आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रो कर रहे हो। फॉरेन जाके भी कुछ लोग अपना जॉब वगैरह, पढ़ाई वगैरह, या फिर अपना बिजनेस करें, जो भी है वो अपना वहाँ पे आप सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना कोई बिजनेस है तो वो ग्लोबली आप मतलब लोगों तक अपना बिजनेस, अपना प्रोडक्ट पहुँचा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी स्टेबिलिटी अगर है ऑलरेडी आपके लाइफ में, करियर में, पैसे में, फाइनेंस में, तो उसको मेंटेन करके रखोगे, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होगा। ठीक है, ग्रो ही करेगा, डाउन तो एकदम नहीं होगा, लेकिन अगर अभी डाउनफॉल चल रहा है आप बहुत ग्रो करने वाले हो। और वैसे भी मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे सोर्सेस जहाँ से पैसे आते चले जाएंगे, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस आपकी लाइफ में ओपन होने वाले हैं। तो सिक्योरिटी खुद ही आकर बता रहा है कि तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ में फुल सिक्योरिटी रहने वाली है, करियर एडवांसमेंट होने वाला है। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो, आई लव माई हाई पेइंग जॉब, मैं अपने हाई पेइंग जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, आई एम लग्जरियस। ठीक है, फीलिंग की एनर्जी है, यू मे बी गेटिंग टू इमोशनल एट द मोमेंट दैट यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ करियर एंड फाइनेंस। देखिए, सब कुछ अच्छा चलेगा, ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखना है, बिकॉज आप इतने ज़्यादा उस पर्सन को लेकर इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि ये इंसान जो आपको इमोशनल करेगा, ठीक है, और फाइनेंशली हो सकता है आपको यूज़ करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा इमोशनल बना के आपको, ठीक है, अपने प्यार में फंसा कर, प्यार के जाल में। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर प्रोफेशन के थ्रू, जॉब वर्क के थ्रू कोई मिले तो कोशिश कीजिए कि उसको दोस्त ही बनाएं, सिर्फ दोस्त बना कर रखें, या दोस्त भी अगर कुछ होंगे ना, ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टनर, कोई अगर दोस्त भी हुए तो वो लोग भी आपको इतना ज़्यादा मतलब आपको जैसे अपने कंट्रोल को खो दे रहे हो, ठीक है, करियर और फाइनेंस के मामले में, और उसकी पूरी की पूरी हेल्प कर रहे हो। अपना समय जो आपको वर्क में देना है वो समय आप उसको दे रहे हो, अपना जो पैसा अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है वो आप उसको दे रहे हो। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। वैसे आपका फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो एकदम सीढ़ियाँ चढ़ने वाला है, आप खुद सीढ़ी चढ़ रहे हो सक्सेस के। और उसके बाद कहा जा रहा है, स्टैंड अप एंड कम ओके बैक स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ऑलरेडी आपके लाइफ में हो गया कि आपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मतलब किसी को सपोर्ट कर दिया, एक्सप्लॉइट हो गया फाइनेंशियली, तो अब अपने लिए स्टैंड मतलब स्टैंड अप, अपने लिए स्टैंड लीजिए, खड़े हो जाइए अपने पैरों के बल, और
फिर से आप स्ट्रॉन्गर हो जाइए, स्ट्रॉन्गर होते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आपको बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी ने कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बेवकूफ़ बनाया है तो हो गया जो हो गया, सो आपने दे दिया सो दे दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन अब नहीं, ये बात का ध्यान रखिएगा अगर ऐसा हुआ है तो, और नहीं हुआ है तो फ्यूचर के लिए आप अवेयर रहिएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे ऐसे इंसान तो आते जाते रहते हैं, फैमिली में भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो पैसे वैसे मांगते हैं, रिटर्न करते नहीं है, ले लेते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। वाओ, अ सेलिब्रेशन, अ वेडिंग, वाओ दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप शादीशुदा है तो 2025 में आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी, ठीक है? अगर आप, हो सकता है कि आप शादी भी करें, क्योंकि वेडिंग की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपकी शादी होने वाली है। शादी कैसी होगी, कैसे पर्सन से होने वाली है, कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, मैंने कल रीडिंग डाला है, वो देखिए ज़रूर आप जाकर, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ के मामले में पहले तो आप फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन में वहाँ पे कोई मिल सकता है, या उनके साथ हनीमून पे जा सकते हैं, या फिर फॉरेन सेटल हो सकते हैं। तो लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, बहुत फन कर रहे हो, खूब हंसी मजाक आपकी चल रही है, आप उनको हंसा रहे हो, वो आपको हंसा रहे हैं, और पूरा का पूरा फुल इन्जॉयमेंट रहने वाला है। जैसे अपनी ज़िंदगी को, अपने लव लाइफ को, अपने मैरिज को, ठीक है, जैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, पर्सनल लाइफ को बहुत सेलिब्रेट करोगे, ठीक है? चाहे फैमिली के साथ ही क्यों ना हो, अच्छा रहेगा। सेवन ऑफ फायर की एनर्जी है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने लोगों पे आपको बिलीव रखना है। बाहरी लोग जो भड़काने की कोशिश करें, उन लोगों में बिलीव नहीं करिए, जो आपके पार्टनर बोल रहे हैं उस पर बिलीव करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है? डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा लव लाइफ के मामले में, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? लव लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। कोई ऐसा हो सकता है कि आपकी खुशियों को देखकर इतना ज़्यादा कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, इतना सब कुछ कैसे अच्छा चल रहा है, तो उसको देखकर कोई जल सकता है, इसीलिए कुछ भड़काने की कोशिश करें तो उससे बच के रहिएगा। अपने लोगों पे, अपने पार्टनर पे भरोसा रखना है, ठीक है? तो क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब अभी 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग आप सभी लोग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।